नॉलेज ग्रिप के इस खास वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। अपने इस स्पेशल वीडियो सीरीज में हम सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट्स के लैंडमार्क जजमेंट्स, रूलिंग्स और ऑर्डर्स के ऊपर बात करते हैं। इसी कड़ी में ये हमारा दूसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले को समझेंगे जो कि ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स को लेकर के दिया गया। केस का नाम है रेखा दराल वर्सेस विकास दराल। दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 सितंबर 2023 को अपना फैसला सुनाया, यानी आज से 10 दिन पहले। दो जजेस के बेंच ने इस फैसले को सुनाया, जिनमें सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा शामिल थे। अपने एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसले में इन दोनों जजेस ने फैमिली कोर्ट के तलाक देने के फैसले को सही कहा। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस नीना बंसल द्वारा दिए गए फैसले में क्रूरता यानी क्रुएलिटी को तलाक का आधार माना गया। हम जानते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स के बारे में बात करता है, जिसमें कई सारे ग्राउंड्स मेंशन्ड हैं, जैसे नॉट हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ ईच अदर, पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध का ना होना, ट्रीटेड विथ क्रुएलिटी, राइट। ये सभी ग्राउंड्स हैं। अब इस मामले में अपीलकर्ता के रूप में रेखा दराल यानी पत्नी और डिफेंडेंट के रूप में विकास दराल पति थे। रेखा दराल ने 27 फरवरी 2023 को 27 फरवरी 2023 को ये ऑर्डर का डेट है दिल्ली हाईकोर्ट। तो रेखा दराल ने 27 फरवरी 2023 को उत्तर पश्चिम जिला रोहिणी कोर्ट दिल्ली में एक फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दे डाला, ठीक है, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 सबसेक्शन 1A के तहत विकास दराल के तलाक याचिका को लोअर कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। अब देखो, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में तलाक की ओर ले जाने वाली सभी घटनाओं और व्यवहारों की एक श्रृंखला को रेखांकित किया, यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने उन सभी ग्राउंड्स को एक सीरीज के रूप में कनेक्ट किया जिन ग्राउंड्स के बेसिस पर पति या पत्नी तलाक ले सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज था? पहला, पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध का न होना। दूसरा, आत्महत्या की धमकी। तीसरा, झूठी पुलिस शिकायत दर्ज करना, फॉल्स पुलिस कंप्लेंट। और विकास दराल और उनके परिवार के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A के तहत केस फाइल करना। अदालत के सामने जो भी फैक्ट्स, जो भी एविडेंसेस पेश किए गए थे, उनको देखते हुए कहा गया कि रेखा दराल ने शादी के 8 से 10 दिनों के भीतर विकास दराल यानी अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था और 6 महीने बाद ही वो घर तो वापस आ गई, यानी अपने ससुराल तो वापस आ गई, लेकिन उनके बीच बनता नहीं था, पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं था। रेखा दराल ने वैवाहिक उत्सवों में भाग नहीं लिया, जैसे करवा चौथ, तीज,
तो इनमें भाग लेने से रेखा दराल ने साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि रेखा दराल अपने रिलेशन को डिस्क्लोज करती हैं कि सी इज इन रिलेशनशिप विथ रितेश, रितेश नाम के व्यक्ति के साथ उनका संबंध है, और वो अपने पति विकास दराल को पति के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर देती हैं। अदालत ने अपने फैसले में बार बार आत्महत्या की धमकी देना, इसे भी क्रुएलिटी का एक ग्राउंड माना है। अब क्योंकि रेखा दराल बार बार आत्महत्या की धमकी देती थी तो इसे क्रुएलिटी का एक ग्राउंड माना कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया, पंकज महाजन वर्सेस डिंपल के मामले में, जिसमें यह कहा गया था कि आत्महत्या की धमकी के कारण लगातार जो दूसरा पक्ष है, यानी अगर पत्नी दे रही है तो पति, पति दे रहा है तो पत्नी, उसके अंदर एक डर बना रहता है, तो ये क्या है, ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी है। यही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नागेंद्र वर्सेस के मीना और रवि वर्सेस जुमली देवी जैसे अन्य मामलों का भी हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया कि आक्रामकता, झूठे आरोप, धमकियां सामूहिक रूप से मानसिक क्रूरता में योगदान कर सकती हैं और तलाक को उचित ठहरा सकती हैं। और अपने कंक्लूजन में दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहिणी कोर्ट के फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और रेखा दराल के अपील को खारिज कर दिया। ठीक है, तो देखो सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स के बारे में बात करता है, जब हम इसके दूसरे पॉइंट को समझते हैं विच इज क्रुएलिटी, तो कोर्ट्स समय समय पर इसके स्कोप को वाइडर करते हैं, इसके मीनिंग को इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि क्रुएलिटी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, किन किन एक्ट्स को हम क्रुएलिटी कहेंगे, वो कहीं भी डिफाइंड नहीं है, राइट। तो अपने इस फैसले में हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये माना कि पत्नी का ये धर्म है कि वो वैवाहिक संबंध में रहते हुए अपने स्त्री धर्म का पालन करें। ठीक है, तो आई होप कि ये जो केस था रेखा दराल वर्सेस विकास दराल आपको समझ में आ गया। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।